अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिरा आरिफ। माई रोल नंबर इज़ 25। माई सेमेस्टर प्रोजेक्ट टॉपिक नेम इज़ एन एंड्रॉयड ऐप फॉर लेक्चरर एंड अ स्टूडेंट। एड अ लॉगिन मॉड्यूल विद द डेटाबेस टू आर अ थ्री अदर मॉड्यूल्स। हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेन एक्टिविटी एक्सएमएल की क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू यूज़ किया। इन दोनों को आईडीज असाइन की हैं, हाइट और विड्थ असाइन की है। ड्राइवर में जाके लॉगिन की पिक्चर को पेस्ट किया है, एंड देन टेक्स्ट व्यू हमने टेक्स्ट को राइट करने के लिए यूज़ किया है। और इसकी मेन जावा की फाइल में मैंने इमेज व्यू यूज़ किया और टेक्स्ट व्यू, इन दोनों को निशनलाइज और डिक्लेयर करवाया। और उसके बाद मैंने इनको इनकी आईडीज जो थी वो असाइन की हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये न्यू हेडर पोस्ट डिले ये हमने यूज़ किया है स्प्लैश स्क्रीन के लिए, कि जो स्क्रीन थोड़ी देर के लिए स्क्रीन के ऊपर शो हो और देन नेक्स्ट एक्टिविटी मूव हो जाए। उसके लिए यहाँ पे इंटेंट लगाया मेन एक्टिविटी, और जिस एक्टिविटी में मूव करना है उसके लिए लॉगिन जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसका नाम लॉगिन रखा है मैंने, तो यहाँ पे वो लॉगिन की एक्टिविटी लगाया। स्टार्ट एक्टिविटी आई एंड देन फिनिश। फिर उसके बाद हम चलते हैं स्टार्ट के कोड की तरफ। इसमें मैंने रिलेटिव लेआउट यूज़ की है, जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट व्यू लगाया है और इमेज लगाई है एक, और दो बटन्स लगाए हैं साइन इन और रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी जावा की फाइल में मैंने कोड किया है। इसके जावा के कोड में फर्स्ट ऑफ ऑल बटन को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कराया जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लगाए थे। उसके बाद हमने फायरबेस यूज़ की है। फायरबेस को मैं आपको बाद में बताती हूँ उसको मैंने कैसे कनेक्ट किया है अपने प्रोजेक्ट के साथ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको आईडीज दी हैं रजिस्ट्रेशन और लॉगिन को, एंड देन मैंने इसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाया लॉगिन के ऊपर कि उसको क्लिक करे और देन वो उसका मतलब अगली एक्टिविटी में मूव ऑन हो जाए। तो अगले क्लिक करने के लिए हमने ऑन क्लिक लिसनर लगाया, और उसके बाद जो आगे जो प्रोसेस है नेक्स्ट एक्टिविटी में मूव करने के लिए उसके लिए हमने यहाँ पे इंटेंट यूज़ किया है, एंड सो ऑन रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमने ये सारा प्रोसीजर ऐसे ही फॉलो किया है। और उसके बाद जब वो रजिस्ट्रेशन या लॉगिन के ऊपर किसी के ऊपर भी क्लिक करेगा तो वो देन मूव हो जाएगा लॉगिन के ऊपर, ठीक है। लॉगिन को क्लिक करेगा तो लॉगिन के ऊपर मूव हो जाएगा, अगर रजिस्ट्रेशन को करेगा तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर हो जाएगा लॉगिन के ऊपर। इसमें मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल का इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ लॉगिन का, ठीक है। यह इसका स्ट्रक्चर है, हाँ जी। इसके एग्जाम्पल में मैंने हाँ जी यहाँ पे मैंने इसमें यूज़ की है वो लीनियर लेआउट यूज़ की है, टेक्स्ट व्यू लगाए हैं और बटन्स लगाए हैं, ये इसका सारा ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। और इसके बाद जो इसकी मेन एक्टिविटी है जावा, जिसके अंदर हमने इसका कोड किया है फायरबेस को कनेक्ट करके, वो ये है, ठीक है। इसके अंदर जितनी जितनी हमने मॉड्यूल्स मतलब जो टेक्स्ट व्यू हमने यूज़ किए थे, टेक्स्ट व्यू बटन्स, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इनिशियलाइज और डिक्लेयर करा दी हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फायरबेस का कोड यूज़ किया है ये वाला, ठीक है, कि जो भी मतलब यूज़र आएगा वो अपना इंटर करेगा, अपनी आईडी को इंटर करेगा, अपना डाटा इंटर करेगा, तो वो सारा जो है वो डाटाबेस में ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव हो जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हो किस किसने मतलब यूज़ किया है, लॉगिन किया है, रजिस्ट्रेशन की है। यहाँ पे हमने एक और कंडीशन यूज़ किया है कि समटाइम ऐसा होता है कि यूज़र अपनी मेल लिख देता है, पासवर्ड लिखना नहीं भूल जाता है, तो वो क्लिक कर देता है, तो इसमें ये यहाँ पे इस कंडीशन में ये शो कराएगा कि आपने मतलब जो टेक्स्ट व्यू आपने ब्लैंक छोड़ दिया उसको फिल करना कंपलसरी है, देन आपका वो प्रोसीजर नहीं आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। इसलिए हमने ये यूज़ किया है। और उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन के पेज के ऊपर आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के पेज के अंदर मैं पहले आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ एग्जाम्पल की फाइल में। इसमें सेम हमने यही यूज़ किया है कि इसमें रिलेटिव लेआउट यूज़ की है और उसके अंदर हमने लीनियर लेआउट यूज़ की है, टेक्स्ट व्यू लगाए हैं हमने, और एक बटन यूज़ किया है एग्जाम्पल का, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी जो मेन एक्टिविटी है मतलब जिसमें जावा का कोड हमने किया है, ये इसका मेन जावा का कोड है, और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने इतनी सारी क्लासेस ये इंपोर्ट करवाई हैं। इसमें टेक्स्ट व्यू है, बटन्स हैं, टोस्ट है, जो जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं ना वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। अगर हम इंपोर्ट नहीं कराएंगे तो वो एरर शो कराएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो बटन्स था यूज़र
पासवर्ड, मेल और यूज़र नेम, जो भी जो चीज़ें हमने जो यू जो जो टूल्स यूज़ किए हैं ना, वो सारे यहाँ पे इनिशियलाइज और डिक्लेयर करा दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इनको सबको इनकी आईडीज असाइन की हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने फायरबेस यूज़ की है, तो उसका रेफरेंस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद सेम जो लॉगिन के लिए हमने जैसे यूज़ किया था फायरबेस को, उसी तरह इसके लिए यूज़ करेंगे कि यहाँ पे कंडीशंस लगाई हैं उसने कि कोई भी मतलब अगर वो मेल लिख रहा है अपनी, तो मतलब मेल लिख रहा है, यूज़र नेम लिख रहा है, पासवर्ड लिख रहा है, और उनमें से एक भी चीज़ वो मिस कर देता है ना, तो वो आगे आगे तक प्रोसीजर नहीं करेगा जब तक वो सारी फिल ना कर दे। तो इसलिए अगर वो कोई भी ब्लैंक छोड़ेगा तो वो यहाँ पे उसको मैसेज शो कराएगा कि ये कंपल्सरी है इसको फिल आउट करना, ठीक है। और अगर वो सक्सेसफुली मतलब रजिस्ट्रेशन कर लेता है अपनी, तो देन फिर उसके बाद वो नेक्स्ट एक्टिविटी में उसको मूव ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटेंट लगाएंगे, इंटेंट और टोस्ट लगाएंगे, ठीक है। टोस्ट मीन के वो हमें एक मैसेज शो कर देगा कि मतलब कोई भी आपने मैसेज शो करवाना हो तो तब हम टोस्ट यूज़ करते हैं कि वो होम पेज पे मूव ऑन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इंटेंट लगाया, यहाँ पे हमने जो जिस एक्टिविटी में है उसका नाम रजिस्टर है वो लिखा है, और डॉट दिस कोमा होम डॉट क्लास जो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में मूव कराना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे असाइन कर दी, ठीक है। और उसके बाद हम अपने होम पेज की तरफ आ जाते हैं। इसमें मैंने इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लीनियर लेआउट यूज़ किया है, और उसके अंदर ही हमने टेक्स्ट व्यू लगाया है, और उसके अंदर हमने ग्राइडल लेआउट होती है जो कॉलम्स मतलब रोज और कॉलम्स को आइडेंटिफाई करती है, हमारे टेक्स्ट को डिवाइड कर देती है रोज और कॉलम में। और उसके बाद हमने यहाँ पे कार्ड व्यू लगाया, कार्ड व्यू ये जो आपको वाइट से शो हो रहे हैं ये कार्ड व्यू होते हैं, ठीक है। और ये इस तरह कार्ड व्यू लगाया, कार्ड व्यू के अंदर हमने इमेज लगाई है। इमेज को जैसे आपको पता है कि पहले उसको आईडी देते हैं, हाइट विड्थ और ये सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद उसको जो पिक्चर वहाँ पे लगानी होती है वो ड्राइवर में जाके पहले पेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं और वो यहाँ पे लग जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नीचे ही हमने उसका टेक्स्ट व्यू लगाया, ठीक है। टेक्स्ट व्यू का सेम प्रोसीजर यही है, इसमें हमने टेक्स्ट लिखा है, उसका साइज बताया, उसकी हाइट और विड्थ को बताया, ठीक है। और इसमें आप अपना मतलब अपना डिज़ाइन भी लगा सकते हो कि आपने इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जैसा भी है आपको सही सूटेबल लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड यूज़ किया। फिर उसके बाद सेम यही एक ही और नेक्स्ट ऐसे फिर मैंने इसके टीचर के लिए बनाया, उसमें भी हमने कार्ड व्यू के अंदर ही इमेज और टेक्स्ट व्यू लगाया, एंड सेम लेक्चर्स के लिए भी और अटेंडेंस के लिए भी, होम पेज के लिए एंड रिजल्ट के लिए, ठीक है। मतलब स्टूडेंट का ये ना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम इसके जावा के कोड की तरफ जाएंगे होम के, और इसमें सबसे पहले आपने इम्पोर्ट करवाना है सारा कुछ जो जो आप यूज़ कर रहे हो, इमेज, टेक्स्ट व्यू, टोस्ट, और जो जो आप यहाँ पे जैसे हमने एक न्यू चीज़ यूज़ की थी कि कार्ड भी को यूज़ किया था, उसको भी हमने इम्पोर्ट करा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फायरबेस को भी कराया, और देन फिर हमने जो जो चीज़ें यूज़ की थी, टेक्स्ट व्यू, इमेज जितने भी थे, उन सबको यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में इनको आईडी असाइन कर दिए सबको, उनके वही आईडीज जो हमने पहले एग्जाम्पल में उसकी सेट की थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इंटेंट लगाया कि अगर वो मतलब स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेगा तो वो एक अलहदा से स्टूडेंट की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इंटेंट नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके साथ ही मैंने नीचे यहाँ पे टोस्ट को यूज़ किया है कि अगर वो मतलब पता चले कि वो कहाँ किस पेज पे जा रहा है, मैसेज शो हो जाएगा ना कि अगर वो स्टूडेंट पे जा रहा है तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि वो स्टूडेंट की नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह सेम ऑन मैंने यहाँ पे कार्ड भी लगाया, ऑन क्लिक लिसनर लगाया, और उसके बाद उसमें इंटेंट लगाया और टोस्ट लगाया, एंड सो ऑन इसी तरह मैंने नीचे तक किया है सारा। और उसके बाद हम आ जाएंगे स्टूडेंट की एक्टिविटी में, यहाँ पर मैंने लिस्ट भी यूज़ किया है, ठीक है। और इसके जावा के कोड में जावा का कोड मैं आपको दिखाती हूँ। ये जावा का कोड है, इसमें हमने सारी क्लासेस को इम्पोर्ट करवाया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और उसके बाद उसको इनिशियलाइज करा दिया लिस्ट वी को जो हमने वहाँ पे यूज़ की थी, ठीक है। और यहाँ पे हमने अरे बनाई है, ठीक है। हमें चाहिए था स्टूडेंट का डाटा सारा और स्टूडेंट्स के रोल नंबर, ठीक है। और वो मैंने यहाँ पे लिस्ट व्यू में शो करवा दिए हैं। और इसके बाद ऑन राइट में जाके उसको आईडी असाइन की है, ठीक है। और हमने रे अडेप्टर की बनाई है, उसमें स्ट्रिंग रखा है, ठीक है। और स्ट्रिंग को न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है रे अडेप्टर के साथ, ठीक है। और इसमें हमने वो स्ट्रिंग असाइन स्ट्रिंग यहाँ पे लगा दी है जो यहाँ पे हमने ये वाली जो स्ट्रिंग बनाई थी, ठीक है। और उसके बाद लेआउट दिस टैग यूज़ किया है और यहाँ पे हमने इसको सेट करा दिया है
अरे में, ठीक है। और उसके बाद हम अपने टीचर की एग्जामल की फाइल की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने टेक्स्ट व्यू यूज़ किया है, और इसमें मतलब कि वो सारी जो चीज़ें हैं उनको एक लिस्ट में शो हो जाएं जो जो टीचर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इसमें अगेन मैंने वही प्रोसीजर यूज़ किया कि यहाँ पे मैंने एक अरे बनाई है, ठीक है। अरे के अंदर मैंने सारा उनका डाटा लिखा है, टीचर्स के नेम्स और टीचर्स की आईडीज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक अरे या डिप्टर बनाया है, ठीक है, और उसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पे इसको सेट कर दिया। और उसके बाद हम लेक्चर्स के पेज की तरफ चलते हैं। वहाँ पे एग्जामल के पेज के अंदर मैंने यहाँ पे लिस्ट भी यूज़ की है, और सिंपली और इसकी जावा की फाइल में मैंने सारी क्लासेस को इंपोर्ट करवाया जो यूज़ की थी। फिर उसके बाद इनिशियल करा दिया लिस्ट भी को। फिर उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के नेम्स को ऐड किया है, ठीक है। फिर इसके बाद जो लिस्ट व्यू था ऊपर इनिशियलाइज कराया था उसकी आईडी को असाइन कर दिया, उसकी आईडी यहाँ पे डिफाइन की है, ठीक है। और उसके बाद अरे डिप्टर यूज़ किया उसका न्यू ऑब्जेक्ट बना के, और उसको हमने सेट करा दिया, ठीक है। जीपीए का जो पेज बनाया था उसके अंदर हमने लिस्ट व्यू लगाई है, ठीक है। और इसके जावा के कोड में हमने जो लिस्ट व्यू लगाई थी उसको हमने इनिशियलाइज कराया पहले, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी अरे बनाई है, जो जो स्टूडेंट्स थे उनके डाटा को इंटर किया और उनकी जीपीए की जो थी परसेंटेज वो लगाई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने अरे डिप्टर बनाया, ठीक है, और उसको न्यू उसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको यहाँ पे सेट करवा दिया। उसके बाद हमने जो असाइनमेंट का बनाया था उसके अंदर मैंने लिस्ट भी यूज़ की है अगेन, और उसमें जो जावा का कोड है उसमें मैंने उनकी जो सारी लिस्ट भी को इनिशियलाइज कराया पहले। फिर उसके बाद उसकी अरे बनाई है और उनकी डेडलाइंस दी हैं कि जो जो असाइनमेंट की डेडलाइंस हैं वो। और उसके बाद सेम इसमें इसको आईडी व्यू लगाई है, ठीक है। फिर उसके बाद अरे अडिप्टर लगाया, उसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सेट अडिप्टर कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको अब इसकी डाटाबेस की तरफ लेके चलती हूँ जिसमें मैंने इसको फायरबेस के साथ यूज़ किया है, ठीक है। और इसमें फायरबेस में मैंने अपने प्रोजेक्ट को इसके साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन में ये होता है कि मतलब जिस जिस यूज़र ने आपके आपकी ऐप को लॉगिन किया है, रजिस्टर किया है, उन सबका यहाँ पे डाटा शो हो जाता है। ये जैसे इसने ये मेल लगी थी, ठीक है, और इस टाइम को लगी थी, इस टाइम को इसने साइन इन किया था, ये सारी इसकी मतलब ये इसका लिंक बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया था कि नूर फातिमा की आईडी लगाई थी, ठीक है, इस डेट को लगाई थी और यहाँ पे मैंने तब यहाँ पे साइन हुई थी, ठीक है, तो मतलब साइन इन हो गई थी सक्सेसफुली, और उसके बाद इसका लिंक बन जाता है। और यहाँ पे मैं आपको रियल डाटा रियल टाइम डाटाबेस में भी दिखा देती हूँ कि इसमें भी ये सेम यही डिटेल होती है कि जिस जिस यूज़र ने आपको लॉगिन किया उसका सारा डाटा यहाँ पे शो हो जाता है आपको। जैसे यहाँ पे हिरारिफ के साथ जो आईडी थी उसके साथ यहाँ पे लॉगिन हुई थी मैं, ठीक है, उसकी आईडी उसने बना दी है और उसका इमेज यूआरएल बना दिया है, ठीक है, उसका ऑफलाइन है और अब मतलब अब वो यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, और उसका यूज़र नेम है हीरा, ठीक है। इस तरह ये सारा इसका डाटा यहाँ पे हमें शो हो जाता है, लिंक के यहाँ पे लिंक बन जाता है इसका, ठीक है। और मैंने फायरबेस को बस लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही यूज़ किया है, ठीक है। और अब मैं अब इसको आप अपनी ऐप दिखा देती हूँ आपको। ये हमारी स्टूडेंट की ऐप है, असिस्टेंट ऐप जो बनाई थी हमने, ठीक है। और उसमें पहले वो रजिस्टर होगा, ठीक है, अपनी नेम लिखेगा और उसके बाद अपनी आईडी और पासवर्ड लिखेगा और रजिस्टर हो जाएगा। उसका अकाउंट क्रिएट हो गया और देन ये हमारा होम पेज है। ये यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को डाटा इंटर करेगा, अपनी मेल और देन पासवर्ड, और वो रजिस्टर हो जाएगा।
और ये सारा डाटा फायरबेस में चला जाएगा। ये होम पेज है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट, टीचर, लेक्चर्स, अटेंडेंस और होमवर्क और रिजल्ट है, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे स्टूडेंट की सारी डिटेल ओपन हो जाएगी, ठीक है। और टीचर्स पे करेगा, टीचर्स के सब्जेक्ट्स और उनका टाइम टेबल सारा, ये सब्जेक्ट्स की नेम्स हैं, ये अटेंडेंस हैं जितने परसेंट है, और ये असाइनमेंट की डेडलाइंस हैं, और ये जीपीए है। और यहाँ से वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है, और हमारी ऐप क्लोज हो जाएगी।